किसान आंदोलन के समर्थन में उपमंडल अर्की के बातल घाटी में किसानों ने आधा घंटा चक्का जाम व धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अर्की क्षेत्र के ग्रामीणों ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उपमंडल अर्की की बातल घाटी में किसानों ने आधे घंटे तक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। रैली को संबोधित करते हुए किसान डीडी शर्मा ने कहा कि किसानों की जायज मांग है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की जायज मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने काला कानून लाया है जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को समाप्त करने के लिए बिना सोचे समझे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तीन काले कानून लाए गए हैं। डीडी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एपीएमसी को खत्म कर अनाज और फल को खरीदने के लिए बिना किसी कानून नियम के बड़े बड़े पूंजीपतियों को छूट दी है। किसान के बंद के आयोजन में पूरे हिंदुस्तान में हम भी अर्की भूमती डाडल और डमैर के लोगों ने किसानों ने जो बंद का आयोजन किया था इधर बातल घाटी में, जिसकी हमने प्रशासन को डेढ़ घंटे की जो परमिशन मांगी थी उसके लिए शांतिपूर्वक हमने यहाँ बंद रखा, जिसमें काफी वाहन यहाँ रुक गए थे। उसके बावजूद भी काफी संख्या में यहाँ किसान आए थे और उन्होंने अपने जो हिंदुस्तान में आज किसान इसका विरोध कर रहा है उसके समर्थन में हमने यहाँ विरोध किया और जो बिल किसानों के सरकार ने लगाया है हम इसका विरोध करते हैं। हम जब तक किसान का समर्थन करते रहेंगे उनका, जब तक जो इसके इस बिल का जो समर्थन सरकार वापस नहीं लेती, तो इस तरह हिमाचल में भी जगह जगह पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन आज हुए हैं। इसी के चलते यहाँ बातल घाटी में विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसके चलते हमने आधे घंटे का जो है समय मांगा था प्रशासन से और आधा घंटा मैंने इसका विरोध। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।